हाय एवरीवन, आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा नया वीडियो पे फिर से। तो आज मैं एक अपडेट लेके आया हूँ। वीडियो का लेंथ थोड़ा कम ही होगा, लेकिन जो मैंने न्यूज़ लेके आया है वो बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा है वो बहुत ही। तो वीडियो का डिटेल्स आप लोग को आगे मिलेगा, लेकिन पहले जो लोग नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि नया नया अपडेट आप लोग को मिले जब भी मैं मेरा YouTube चैनल में अपलोड करता हूँ। शेयर करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जिस तरह भी कंटेंट हो, उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। जो लोग कंटेंट क्रिएटर है, बहुत सारा डाउट होता है और कंफ्यूजन में रहता है कि कौन सा म्यूजिक अगर बैकग्राउंड में ऐड करने से अच्छा होगा और कॉपीराइट नहीं होगा, उस सब में हम लोग मतलब कन्फ्यूजन में रहता है। कंटेंट को यानी अपना वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा एंगेज बनाने के लिए हम लोग क्या करता है, यूट्यूब से डाउनलोड करके गाना वगैरह वीडियो का जो बैकग्राउंड पे ऐड कर लेता है ना। तो उसके बाद कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, चाहे वो 1 मंथ के बाद हो, चाहे वो 1 साल के बाद हो, चाहे वो 2 साल 3 साल उसके बाद हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसमें जानना है कि कॉपीराइट क्लेम दो प्रकार का होता है। अगर क्लेम हुआ वीडियो पे, कॉपीराइट क्लेम हुआ, तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी म्यूजिक ओनर के पास चला जाएगा, है ना, और वो वीडियो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा है, अगर स्ट्राइक हुआ तो डायरेक्टली खुद का जो यूट्यूब चैनल है वो ही डिलीट हो जाएगा। अगर 3 बार स्ट्राइक हुआ है, वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत कॉपीराइट नहीं मिलता है, 1 साल के बाद दिखाई देता है उसी वीडियो पे कॉपीराइट हो गया, ऐसा भी होता है। हम लोग उसी म्यूजिक कैटेगरी को यूज़ करते हैं जो कॉपीराइट नहीं होता है, खास करके जैसे YouTube में बहुत सारा ऐसा है, NCS होता है, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, वहाँ से अगर डाउनलोड करके अगर ऐड करने से कॉपीराइट नहीं होगा। लेकिन अलग अलग मतलब चैनल पे होता है, जैसे नॉन कॉपीराइट ब्लॉग म्यूजिक ऐसा होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि वो म्यूजिक डाउनलोड करके अगर ऐड करने से कॉपीराइट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है वो तुरंत नहीं होने से भी बाद में हो जाता है कॉपीराइट। तो ये तो बहुत लाइन छपी है ना, क्रिएटर लोगों के साथ अन्याय करता है ना, चीट करता है, ये तो अच्छा नहीं है। इसीलिए हर किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो जो अपडेट है उसी को मैं बिना देर करके मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। अभी यूट्यूब कंपनी ने रिसेंटली 28 जुलाई को रिलीज़ किया है एक न्यूज़ कि कॉन्टेंट क्रिएटर लोगों के लिए, स्पेशली हम लोग जो जितना भी यूट्यूबर्स है हम लोग के लिए ही अच्छा होगा, है ना। और उसी को सोच के YouTube कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ और स्क्रीन में भी आप लोग देख सकता है। एक्सपेंडिंग आवर पार्टनरशिप विद द म्यूजिक इंडस्ट्री टू गिव क्रिएटर्स मोर ऑप्शन टू इंक्लूड म्यूजिक इन दियर वीडियो, यानी हम लोग अभी बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी से, जैसे जी म्यूजिक है, वहाँ से भी हम लोग डाउनलोड करके म्यूजिक को ऐड कर सकता है और कॉपीराइट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वी आर स्टार्टिंग टू एक्सपेरिमेंट विद वे टू ग्रो क्रिएटर्स म्यूजिक ऑप्शन फॉर देयर कंटेंट। अभी यूट्यूब कंपनी ने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, स्टार्ट किया है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कि क्रिएटर्स लोगों को ग्रोथ कैसे करे, है ना, और कॉपीराइट क्लेम से कैसे बचाए। वो अभी धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूट्यूब कंपनीज। और भी बताया है, दिस इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग द एबिलिटी फॉर क्रिएटर्स टू एक्सेस आवर पार्टनर्स म्यूजिक। हम लोग अच्छे से एक्सेस भी कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और कॉपीराइट भी नहीं होगा, और जितना भी उसी वीडियो में इनकम जनरेट होगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर को ही मिलेगा, उसी म्यूजिक कंपनी में नहीं जाएगा वो।
फिर बहुत ही अच्छा खबर है ना। और भी बोला है कि राइट नाउ वी आर स्टिल बिल्डिंग एंड टेस्टिंग विद ए लिमिटेड सेट ऑफ क्रिएटर्स। और लास्ट में कहा है कि विल हैव मोर न्यूज टू शेयर इन द कमिंग मंथ्स, स्टे ट्यून्ड। और यूट्यूब स्टूडियो से यानी यूट्यूब कंपनी का जो मेन ऑडियो लाइब्रेरी होता है वहाँ से अगर कोई भी म्यूजिक को यूज करने से, किसी भी म्यूजिक को अगर ऐड करने से बैकग्राउंड पे, वीडियो का बैकग्राउंड पे कभी कॉपीराइट नहीं होगा, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और आप लोग देख भी सकता है, मैंने शेयर किया है स्क्रीन के ऊपर देख सकता है, ये सबको अगर यूज़ करने से कभी भी कॉपीराइट नहीं होगा। धीरे धीरे यूट्यूब कंपनी ने न्यूज़ अपडेट करते रहेंगे, तो आप लोग को जानकारी मिलने के लिए मैं इसी चैनल पे, मेरा अपना चैनल पे मैं शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को जल्दी मिल जाए हम जब भी अपलोड करेंगे इस प्रकार का न्यूज़। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो लेंथ छोटा ही है लेकिन काफ़ी बड़ा है न्यूज़, और हर किसी को जानकारी होके रहना चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर किया। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।